Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So, आज हम शुरू करेंगे 40 क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक 20 क्वेश्चन हम करेंगे. सो अगर आप पहले इनकी लेसन्स नहीं देखे हैं, लेसन 1 जिसमें हमने बात किया हुआ है 20 से लेके आई मीन 1 से 20 तक, और लेसन 2 में हमने बात किया हुआ है 21 से लेके 40 तक, राइट. तो इनको आप देखें अच्छे से, बिकॉज ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सीरीज चल रहा है. आगे और कौन सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे आप बताएं जरूर कमेंट में, उससे हमें थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा. सो शुरू करते हैं गाइस. तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? द सॉलिड फ्यूल हैविंग द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. तो गाइस यहाँ पर एक लिस्ट है, तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा किसका आयदा होता है. बट अगर आप देखेंगे इसका किसका होता है, एंथ्रासाइट का सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू हाइएस्ट होता है, राइट. अब चलते हैं गाइस, मैं लिस्ट बता दूंगा किसका क्या ज़्यादा है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंथ्रा इनमें जितना वैल्यूज था, जितने जितने चीज़ें हमारे पास ऑप्शन में हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में है, एंथ्रासाइट में है, उसके बाद कोक में है, उसके बाद लिग्नाइट में है जो ब्राउन कोयल कोल बोलेंगे उसको, और उसके बाद क्या है वुड का, लास्ट में क्या है वुड है जिसका क्या है जो कैलोरीफिक वैल्यू है सबसे कम है, जिसका क्या है वुड का है. अब चला गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में. द हीट ट्रांसफर क्यू, द वर्क डन डब्ल्यू एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू आर ऑल जीरो इन द केस ऑफ, पहला ऑप्शन क्या है, अ रिजिड वेसल कंटेनिंग स्टीम एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड लेफ्ट इन द एटमोसफियर विच इज़ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 1 kg ऑफ गैस कॉन्टेंट इन एन इंसुलेटेड सिलेंडर एक्सपेंडिंग एज द पिस्टन मूव स्लोली आउटवर्ड्स. तीसरा, अ रिजिड वेसल कंटेनिंग अमोनिया गैस कनेक्टेड थ्रू ए वॉल टू एन इवेकुएटेड रिजिड वेसल. द वेसल एंड द वॉल एंड द कनेक्टिंग पाइप्स बींग वेल सूटेड इंसुलेटेड द वॉल्व बींग ओपेंड एंड आफ्टर ए टाइम कंडीशन थ्रू द टू वैसल्स बिकमिंग यूनिफॉर्म. लास्ट ऑप्शन क्या है, 1 kg ऑफ एयर फ्लोइंग एडियाबेटिकली फ्रॉम एटमोसफियर इन टू अ प्रीवियसली इवेक्यूएटेड बॉटल. सो गाइज देखते हैं इसमें आंसर क्या आएगा हमारा. देखिए पहले क्या बता रहा हमें कि हीट ट्रांसफर और वर्कडन है, राइट, और इंटरनर्जी क्या है, चेंज इंटरनर्जी क्या है, सब जीरो होंगे. तो वर्कडन हमारा जीरो कब कब होता है हमारा, जब हमारे पास क्या होता है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, मतलब क्या होता है फ्री एक्सपेंशन होता है, राइट. तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वहाँ पर हमारा केस क्या आता है, बिल्कुल फिट बैठता है फ्री एक्सपेंशन. अगर वर्क डन वहाँ पर जीरो हो गया और वहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू हमारे जो केस दे रखा है, तो वर्क डन जीरो है, हीट ट्रांसफर जीरो है, तो अगर हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या पता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या है डी डब्ल्यू है, हमें पता है. अगर ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू भी जीरो हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2. द एनर्जी रिजेक्टेड बाय दिस इंजन इज रिसीव्ड बाय अ सेकेंड रिवर्सिबल इंजन एट टेम्परेचर T2 एंड रिजेक्ट्स टू ए रिजर्वर एट टेम्परेचर T3. इफ द एफिशिएंसीज ऑफ द इंजन्स आर सेम देन द रिलेशनशिप बिटवीन T1, T2 एंड T3 इज गिवन बाय. तो गाइज आप लोगों को बता रखा है मैंने पहले, अगर आप देखे होंगे इसके पहले वाले लेसन, तो उसमें बता रखा है मैंने, जब वर्क डन सेम रहता है, राइट, और हमारे पास क्या है 3 रिजर्वायर है और वहाँ पर 2 हमारे पास इंजन है, उस केस में क्या होता है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होता है T1 प्लस T3 बाई क्या होता है 2 होता है. अगर वही बात करें जैसे यहाँ पर केस है, एफिशिएंसी अगर सेम रहता है तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 मल्टीपल T3 पावर क्या हो जाएगा 1/2. सो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं. एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 75%. इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, COP ऑफ द रिवर्स कार्नोट साइकिल. हमें COP निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप यूज करेंगे. हमें पता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 बाई एफिशियंसी ऑफ वट, हीट इंजन. सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0.75 - 1. सो दिस इज 100 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3. सो ये माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, LCM लेंगे 4 तो सॉरी 3 LCM लेंगे तो 1/3 क्या आ जाएगा 0.33. यानी कि ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 45. फॉर ए PO सब्सटेंस इन गैसियस फेज टू बी लिक्विफाइड, द गैस हैज़ टू अंडरगो इनिशियल कूलिंग बिलो द क्रिटिकल स्टेट, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ट्रिपल पॉइंट लाइन. सो गाइस ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केस जो बता रखा है, किस केस में होगा हमारा, जो बिलो द किसके नीचे हमें करना पड़ेगा, जो क्रिटिकल स्टेट हमारा होता है उसके नीचे हम कर सकते हैं ये,
उसके ऊपर हम नहीं कर पाएंगे चीज़, तो क्रिटिकल स्टेट के हम नीचे कर पाएंगे। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैस फेज। तो हमें पता है जैसे एंट्रोपी हमारा होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है आपका, गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर क्या होता है कि सॉलिड में होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले सी आएगा, फिर क्या आएगा, बी आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, सी बी ए। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो क्या होता है देखिए बता रहा हूँ, हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम बता रखा है और एंट्रोपी का जो वैल्यू होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको याद रखना, गलती से हम जीरो समझ लेते हैं लेकिन क्या होता है, मैक्सिमम होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका एंट्रोपी का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 48, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन T1 एंड T2 इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर बाई टी एंड डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर बाई टी स्मॉल टी, हाउ इज द एफिशिएंसी इन बोथ द केसेस इज रिलेटेड। एफिशिएंसी में निकालना है, तो एफिशिएंसी हमें पता है, लेट से पहला केस लेते हैं एफिशिएंसी वन, तो हमारे को पता है क्या होता है एफिशिएंसी, T1 माइनस T2 बाई T1। पहले केस में क्या बोल रहा है हमें, फर्स्ट केस में क्या बता रहा है कि हम क्या करते हैं सोर्स टेम्परेचर को टी से बढ़ाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1 प्लस टी। अब थोड़ा समझिए, अगर मान लो नीचे वाला हिस्सा अगर हम बढ़ाएंगे तो ए वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पूरा घटेगा, तो अगर ए घट जाएगा तो हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा, समझ सकते हैं। अगर हमारा वैल्यू ए वाला वैल्यू घट गया तो 1 माइनस घटा हुआ चीज़ तो ज़्यादा होगा ना, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। एक तो केस हो गया बढ़ेगा, मतलब हमारा बढ़ रहा है एफिशिएंसी। अब दूसरा केस लेते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू हमारे पास वही फॉर्मूला है 1 माइनस T2 बाई क्या आ जाएगा, T1। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंक टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, और डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर बाई टी, मतलब हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं उसमें, और सिंक टेम्परेचर में क्या कर रहे हैं हम, इसको डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर बाई टी, इसको हम डिक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, राइट। अगर गाइस देखो इसको हम डिक्रीज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये वाला ऊपर वाला वैल्यू घटेगा और नीचे वाला वैल्यू सेम है। अगर ये वैल्यू घटा घटा और नीचे वाला वैल्यू सेम है तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये घटा ये सेम है तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। अगर ये बढ़ा वैल्यू, इतना वाला वैल्यू बढ़ा, तो ये जो अल्टीमेटली हमारे पास बाद में इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आएगा क्या आएगा, एफिशिएंसी इसका क्या हो जाएगा हमारा, घटेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी वन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी टू, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, आप और अच्छे से और जाना चाहते हैं, मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। आप क्या करो, लेट से T1 को मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 को मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, आप T को मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, उसके आप आंसर निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या आ रहा है, राइट। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। आप पुट करिए वैल्यू का, आपको आंसर मिल जाएगा, फिर कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं रहेगा, जब भी नए नए होते हैं सॉल्व करते हैं आप, ऐसे सॉल्व करिए, आसान रहेगा आपके लिए। अब चलते हैं गाइस 49 नंबर क्वेश्चन में, इन ए सराउंडिंग द अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस अंडरगॉन बाय सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय। तो देखिए सराउंडिंग है, द अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी मतलब क्या, जिसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इरिवर्सिबिलिटी होता है जिससे जो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी नहीं है, एक तरह का अनअवेलेबल एनर्जी है, राइट। सो यहाँ पर अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर व्हाट कैन बी हैपन माय डियर, देख सकते हैं यहाँ पर एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द यूनिवर्स, ऑब्वियसली यही होगा, बिकॉज एंट्रोपी क्या हो जाएगा, यूनिवर्स का इंक्रीज होगा अगर हमारे पास इरिवर्सिबिलिटी होगा सिस्टम में, राइट, बिकॉज यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं, व्हाट इज द स्टेट एट विच फेज चेंज अकर्स विदाउट चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर इज नोन एज। फेज चेंज अकर होता है और वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं होता है, क्या होता है हमारे पास, क्रिटिकल स्टेट में ऐसा केस आता है कि फेज चेंज होता है, राइट। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा इसका, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार आंसर, यस ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 51, द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन प्रेजेंट द ड्राई सैचुरेटेड वेपर ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर। ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ड्राई सैचुरेटेड वेपर में, ऑब्वियसली 100% होगा बिकॉज सब कुछ ड्राई है, तो उसमें क्या आ जाएगा, और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, राइट। और ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू किस में भी किस में वैरी करता है, 0 to 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 52 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द बिलो स्टेटेड आर प्रॉपर्टीज ऑफ PMM2। PMM2 मतलब क्या होता है, परपिचुअल मोशन मशीन सेकेंड काइंड।
परपिचुअल मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, परपिचुअल बोलते हैं। पहला, व्हेन नेटवर्क इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब एंड वर्क एफिशिएंसी इज 100%। ये सही में बोलता है, ये क्यों बोलता है हमें इस तरह का केस, हमें कौन बोल रहा है, इस तरह बोल सकते हो हमारे पास केल्विन प्लैंक में इस तरह का हमारे पास कार्रवाई बोलते हैं, राइट। अच्छा, हीट इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम वन हीट रिजर्वायर ओनली, ऑफकोर्स ये की मतलब हमारे पास सिंक नहीं होता, सिर्फ सोर्स होता है। इट वॉयलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ऑफकोर्स ये वॉयलेट्स क्यों करता है, बिकॉज केल्विन प्लैंक बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन PM2 बोलता है हाँ ऐसा होता है। अच्छा, डी क्या हमारा, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल मशीन, मतलब हाँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर आप चारों को ऑप्शन को देखेंगे, चारों ऑप्शन क्या है करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो हमारे पास ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। इफ़ ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर हैज़ अ COP ऑफ 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोअर टू हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गाइज सेम टू सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन ऑलरेडी एस्क इन ESC में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन ESC में पहले पूछा गया था गेट, और ये क्वेश्चन SSCJ में पूछा गया है, SSCJ में बाद में पूछा गया है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है COP क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है 6, 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, TL/TH-TL आ जाएगा। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TH-TLY क्या आ जाएगा हमारे पास, TL आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं TH/TL, राइट। -1 इज इक्वल टू 1/6, बिकॉज ये क्या आ जाएगा, ये भी 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा, TH/TL इज इक्वल टू 1/6 + 1 इज इक्वल टू 6, और ऊपर ये 6 हो जाएगा, +1 7/6। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोअर टू हायर, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, हायर टू लोअर, तो हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो लोअर टू हायर हो गया, क्या आ जाएगा, 6/7। सो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। सो 53rd नंबर क्वेश्चन में आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। व्हाट प्रोसेसेस डज कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट साइकिल, अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन था। कार्नोट साइकिल हमारे पास अगर मान लो PV वाला बनाते हैं, हमारे पास आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोल सकते हैं, राइट। तो हमारे पास दो आइसोथर्मल है और दो क्या है, एडियाबेटिक है, तो देख सकते हैं आपके पास ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक कैसा होता है इसमें, रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए सिस्टम गोज अंडर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन में ऐसा केस हमारा हो सकता है। 56 नंबर, ऑल प्रोसेसेस, ऑल द प्रोसेसेस इन एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर रिज्यूम टू बी, ऑब्वियसली एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम क्या करते हैं, सारे को रिवर्सिबल मानते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। जैसे अपने अभी देखा एडियाबेटिक, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों, अगर रिवर्सिबल मानेंगे तभी तो हमारे पास एफिशिएंसी आएगा, इरिवर्सिबल में एफिशिएंसी कहाँ का, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा नहीं। बट जो हमारे पास प्रैक्टिकल साइकिल जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, सारे इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, वाटर फ्लोज थ्रू ए टर्बाइन इन विच ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज अ टेम्परेचर राइज 30 to 35 degrees centigrade, इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, वॉट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वाटर। सो DS इज इक्वल टू इस केस में क्या आ जाएगा, एम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास किलो जूल पर केजी लेंगे, एम लेने की जरूरत नहीं है, तो CP आ जाएगा, नेचुरल लॉग क्या आ जाएगा, T2/T1 आ जाएगा। यहाँ गलती बिल्कुल मत करना, इसमें वैल्यू पुट करना है, 273 से ऐड करना है, बिकॉज केल्विन में लेके हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है, 273 यहाँ पर ऐड करना है, तो CP क्या होता है, 4.186 आ जाएगा, राइट। मल्टीपल नेचुरल लॉग क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस वैल्यू मतलब 35 + 273 डिवीजन 30 + 273, पहले मैं निकालता हूँ फिर आपको बताऊँ कितना आंसर आ रहा है, लेट मी जस्ट कैलकुलेट, नेचुरल लॉग 35 + 273 डिवीजन 35 अगर 30 + 273, आप भी कैलकुलेट करा करिए साथ साथ, मल्टीपल 4.186, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.079, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ रहा है हमारा, करेक्ट आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारे पास 58 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है, हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम अबव सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज। अगर मान लो हमारे पास कोई ड्राई स्टीम है, TS डायग्राम ले लो, राइट अगर अबव सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर हम हीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुपर हीटिंग बोलेंगे इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर हीटिंग बोलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम किलो कैलोरी पर केजी इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेफिनेटली क्या होता है हमारा, हाफ होता है, 0.5 होता है, तो कुछ वैल्यूज आपको बता देता हूँ इसके बारे में। और तो हमारे पास क्या आता है, देखिए अगर बात करते हैं हम किलो जूल में, किलो जूल पर केजी केल्विन में, तो कितना आ जाए हमारे पास, किलो जूल पर केजी करेंगे, बिकॉज एंथैल्पी की हम बात करेंगे, लेट्स सी, जस्ट जस्ट लेट मी सी,
स्पेसिफिक हीट, किलो जूल पर केजी। हाँ तो ये किलो जूल पर, किलो जूल पर केजी करेंगे, केल्विन लेंगे नहीं यहाँ पर हम, राइट। किलो जूल पर केजी आ जाएगा हमारे पास, एंथैल्पी आ रहा है, राइट, दैट्स राइट। एक सेकंड, हाँ हमारे पास सुपर हीटेड स्टीम स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक आ रहा है हमारे पास, एंथैल्पी नहीं है, किलो जूल पर केजी मैं ले रहा है, किलो किलो पर केजी, चलो ठीक है। ये तो एक्चुअली किलो किलो जी हमारे पास, अगर स्पेसिफिक बात करेंगे किलो, यहाँ पर सुपर स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, इसको किलो कैलोरी पर केजी ले रहा है, राइट। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से इनको किलो, एक्चुअली अगर आप देखें किलो जूल, इसमें देखेंगे किलो जूल, ये सही है, किलो जूल पर केजी कैलविन होना चाहिए, राइट। तो किलो कैलोरी पर केजी ले रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे आपका 4.5 होता है, बिकॉज इसका जो होता है हमारे पास, अगर बात करोगे सिंपल वाटर का 4.2 होता है, बट जब हम स्टीम की बात करते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है, हाफ हो जाता है, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 कैलोरी में है, इसको याद रखिएगा ये। बट इसका यूनिट जो स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, राइट। नेक्स्ट, एडियाबेटिक प्रोसेस इज, कैसा प्रोसेस होता है एडियाबेटिक, आप लोगों को पता है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब हीट कॉन्स्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज ये था एसएससी जेई का क्वेश्चन सारा, और भी हमारे पास एसएससी जेई क्वेश्चन है जो हमारे थर्मोडाइनमिक्स के हैं, जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेसन में, तो आपको पूरा और समझ में आएगा चीज़ें। कोई डाउट है तो आपको जरूर पूछा करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा पढ़ें आप जरूर बताएं, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आपको पढ़ने मंजूर है। जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मेरा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू।